कांग्रेस सेवा दल के द्वारा किसानों के समर्थन में निकाली गई जुलूस यात्रा। रीवा शहर के सिरमौर चौक कांग्रेस सेवा दल के द्वारा कृषि कानून बिल के खिलाफ रीवा शहर में निकाली गई जुलूस यात्रा। वहीं कांग्रेस सेवा दल के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। सेवा दल का जुलूस सिरमौर चौक से लेकर हॉस्पिटल चौक से होते हुए निकली। वहीं कांग्रेस सेवा दल के कार्यकारी अध्यक्ष हरिशंकर राय ने बताया कि भाजपा सरकार ने 3 कृषि कानून काले बिल लाए हैं, उनका जन जन तक पहुंचाने का कार्य कांग्रेस सेवा दल करेगी। वहीं इस रैली के माध्यम से यह संदेश देना चाहती है कांग्रेस पार्टी द्वारा आगे सिरमौर चौराहा से लेकर शिल्पी प्लाजा अस्पताल चौराहा स्टैचू चौराहा होते हुए रैली निकाली गई। बताया गया है कि कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह रैली पूरे मध्य प्रदेश में निकाली जा रही है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए रीवा से रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस सेवा दल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सम्मान करते हुए पुष्प वर्षा से सम्मान करते हुए किसानों के सम्मान में सेवा दल में नाम, किसानों के सम्मान में सेवा दल में राजस्थान मोदी जी सारे कानून वापस लो। हाँ भैया, पहले मरे थे गोरों से, अब जिला अध्यक्ष पहले सौंप दे, जिला अध्यक्ष की लोग किसान लेके आए। हाँ जिला अध्यक्ष अध्यक्ष महिला कब्जा पांडे जी आदरणीय दादा भैया।
डॉक्टर खान साहब, शहर अध्यक्ष मंगू भैया, प्रदेश कानून के खिलाफ केंद्र सरकार के द्वारा किसानों के खिलाफ जो काला कानून पारित हुआ है उसके लिए ये संघर्ष यात्रा हमारे कांग्रेस सेवा दल के समस्त पदाधिकारी सम्मानित श्री हरिशंकर राय जी प्रदेश अध्यक्ष एवं हमारे अशोक क्रांतिकारी जी एवं हमारे कांग्रेस ग्रामीण के जिलाध्यक्ष अजय तिवारी जी एवं हमारे शहर अध्यक्ष कुशवाहा जी, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष महोदया एवं हमारे विंग ब्रिगेड के अध्यक्ष, कांग्रेस सेवा दल के सभी लोग पूरी तन्मयता के साथ संघर्ष करते हुए किसानों के लिए निश्चित ये हमारा उद्देश्य जो आज भारतवर्ष में भाजपा की सरकार ने ये तीन जो काले किसान के विरोध में बिल लाए हैं उनका जन जन तक पहुंचाना कांग्रेस सेवा दल का बिल्कुल ये पूरा कार्यक्रम है और प्रोग्राम इसी तरह का है। सेवा दल मैदान में किसानों के सम्मान में ये रैली निकाली जा रही, तो क्या मैसेज देना चाह रहा है? मैसेज हम ये देना चाहते हैं कि केंद्र की जो सरकार है वो किसानों के जो बिलाए हैं उनको वापस करे और हम जो हमारे किसान भाई हैं जिन्हें ये पता ही नहीं है हम उनको जागृत करने का काम। ये संघर्ष यात्रा कब तक चलेगी? ये संघर्ष यात्रा हमारी 28 तारीख से मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी के द्वारा दिसंबर में शुरू हो गई थी और ये 20 तारीख तक चलेगी और सभी प्रदेश के
जिलों से होते हुए मुरैना में इसका आदरणीय मुख्यमंत्री जी के में समापन होगा। ये 7 जोन में हमने इस पूरी यात्रा को डिवाइड किया है और सभी जगह से सभी हमारे पदाधिकारियों के साथ ये यात्रा निकल चुकी है। नाम और पद बता दीजिए। मैं हरिशंकर राय हूँ, कार्यकारी अध्यक्ष मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल। रूपरेखा के बारे में ये जो हमारा कार्यक्रम है, ये किसान संघर्ष यात्रा है और ये मध्य प्रदेश के सभी जिलों से निकाली जा रही है और इसका एकमात्र उद्देश्य है किसानों के सम्मान में पूरा सेवा दल मैदान में है। जिस तरह से कांग्रेस सेवा दल पहले से किसानों के लिए और इस देश के लिए लड़ाई लड़ता चला आ रहा है, आज फिर से सेवा दल किसानों के लिए फिर अपनी लड़ाई में सहयोगी बन रहा है और इस आंदोलन में अपनी भूमिका अदा करने जा रहा है। हम ग्रामीण स्तर तक पहुंचेंगे, इस योजना पूरा लेकर गांव के प्रत्येक बूथ तक पहुंचेंगे और गांव में हर कस्बे में ब्लॉक में जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि ये काला कानून जो है, ये बिल जो है, ये किसानों के लिए किस प्रकार विनाश का है, ये किसानों के हित में नहीं है। नाम और पद बता दीजिए। मेरा नाम राजकुमारी रघुवंशी है और मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस महिला सेवा दल की प्रदेश अध्यक्ष।